नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर 20 तक, और इसमें जो है भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी के 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट कम्प्लीट करा चुका हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं, और उनकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे उससे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या, जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उनके साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता जाऊँगा साथ के साथ, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक तरह से क्विक रिविज़न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये हमारी क्लास चैलेंज टाइप से रहेगी कि आप में अगर दम है तो 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन करके देखिए कि आप 10 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, उससे क्या है आपकी तैयारी मजबूत होगी, रिवीजन होगा, जिससे क्या है कि आप पेपर में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? सबसे पुराने चित्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है भीमबेटका, एलोरा, अजंता या चित्तनावासन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका, ए ऑप्शन इज राइट। भीमबेटका जो चित्र हैं वो सबसे पुराने गुफा चित्र हैं या गुहा चित्र हैं, ठीक है। और भीमबेटका जो जगह है आपकी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और यह प्राग ऐतिहासिक कला की कृतियाँ इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार, ठीक है, विशाल कोठार की बात हो रही है। विशाल कोठार मतलब इसका मतलब क्या है? अनाज संग्रह करने का स्थान, ठीक है, कहाँ मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, रोपड़ में या फिर कालीबंगा में। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। जो विशाल कोठार मिला है या अन्नानागार मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो रखालदास बैनर्जी ने 1922 में की थी। किस कब की थी? 1922 में रखालदास बैनर्जी ने की थी। आगे चलते हैं हम लोग। किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? मतलब जो राजधानी थी आगरा चल रही थी, आगरा से दिल्ली कौन लेकर के गया था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। शाहजहां जो है आगरा से राजधानी को दिल्ली लेकर के गया था, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो राजधानी को दिल्ली ले गया, तो दिल्ली में जाकर के इसने एक नगर बसाया था, उसका नाम था शाहजहांबाद, ठीक है, अपने नाम पर ही शाहजहांबाद जगह जगह बसाई थी, फिर बाद में ये दिल्ली में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से ये जो है दिल्ली अपनी राजधानी ले गया था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, 4 है हमारा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू की गई थी? ये तो सभी को पता होगा, क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया पेपरों में। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ठाणे, चेन्नई से मुंबई या फिर मुंबई से नागपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। मुंबई से ठाणे के बीच ये जो है ट्रेन या ट्रेन जो है चलाई गई थी 1853 में। कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी। और 1854 में, एक डेट और याद रखेंगे, 1854 में पहली बार डाक टिकटों का भी यूज़ किया गया। डाक टिकट जो है सबसे पहले 1854 में यूज़ किए गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। कौन से पुर्तगाली नेता, ठीक है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फ्रासो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन या फिर फ्रांसिसी मार्टिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए ऑप्शन इज राइट। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन देखेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब हुआ था? 1900 में, 1890 में, 1905 में या फिर 1911 में। तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले 1905 में शुरू हुआ था, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता में टाउन हॉल में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी घोषणा की गई थी। तो डेट याद रखेंगे 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया है? मोहम्मद अली जिन्ना को,
अब्दुल गफ्फार खां को, शौकत अली को या मौलाना आजाद को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को ही जो है सरोजिनी नायडू ने मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन अच्छा बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो सभी को पता रहता है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कौन है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पर ये बात किसने कही थी? तो सरोजिनी नायडू ने ये बात कही थी। तो ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, दो क्वेश्चन इस तरह से यूज हो रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये हिंदू मुस्लिम एकता का दूत क्यों कहा गया ये और समझ लीजिए। हुआ क्या था कि 1906 से लेकर के 1916 तक, ठीक है, 1906 से 1916 के बीच में क्या हुआ था कि ये दो दल थे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए हिंदू मुस्लिम जो है आपस में अलग अलग हो गए थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम आपस में ये अलग अलग हो गए थे। तो फिर क्या था कि जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको एक मंच पर ला करके इकट्ठा कर दिया था, इसलिए इनको जो है एकता का अग्रदूत कहा गया था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल, ठीक है, में अच्छे संबंध किस समझौते से बने? ठीक है, बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता या फिर ये लाहौर समझौता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, लाहौर समझौता। लाहौर समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। अब क्या बात हुई थी, थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे। 1907 में क्या था, नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो गए थे। फिर क्या, 1916 में ये दोनों एक हो गए। तो इस समझौते के तहत जो है इन दोनों के अच्छे संबंध बन गए थे, लखनऊ समझौते के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो दांडी मार्च जो हुआ था उसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, नाइन्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अब बात आती है दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च जो हुआ था वो हुआ था आपका क्या, आपका हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि जो गांधी जी ने, सॉरी अंग्रेजों ने क्या था कि नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगा दिया था और नमक के ऊपर एक कानून बना दिया था। तो उस कानून को जाकर के गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च किया। दांडी से लेकर के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक इन्होंने यात्रा की और वहां पर जाकर के नमक बनाया और इस कानून को तोड़ दिया। इस तरह से था ये। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है 10 हमारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? राजा जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने या फिर एम के जिन्ना ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी ने ये उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। अब बात आती है कि क्यों दी थी। ठीक है, तो हुआ क्या था कि बारदोली सत्याग्रह जो किया था पटेल जी ने, तो इसलिए जो है उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि इसमें सफल रहे थे, तो इसलिए फिर इन्हें सरदार की उपाधि दी थी गांधी जी के द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, और 11 क्वेश्चन है हमारा भूगोल से रिलेटेड। सबसे गहरा मैरियाना गर्त, ठीक है, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, लाल सागर में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जो मैरियाना गर्त है सबसे गहरा गर्त है, इसकी जो गहराई है वो है करीब 11,033 मीटर। ठीक है, 11,033 मीटर ये इसकी गहराई है। तो ये जो गहराई है सबसे ज्यादा गहराई है और इसका नाम है मैरियाना गर्त, और ये जो आपका स्थित है ये है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, खजूर, खट्टे फल, अनाज या फिर गन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खट्टे फल। शीतोष्ण घास के मैदान में खट्टे फल सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, खट्टे फल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पर चलते हैं। भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन है कागज और लोहा, कपास और चीनी, जूट और कपास या इंजीनियरिंग और सीमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जूट और कपास। जब भारत का विभाजन हुआ तो क्या था कि जूट और कपास के उद्योग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जूट और कपास के उद्योग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। हुआ क्या था कि विश्व का पहले क्या था कि विश्व के उत्पादन का 52% जो है हमारे भारत में होता था, अब जो 38% ही रह गया। आगे चलते हैं। एक राज्य जो कर्क व्रत से विभेदित नहीं हो रहा है यह है। ठीक है, अब जो ऐसा है
कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, ये ऑप्शन इज राइट, ठीक है। जो कर्क रेखा है गुजरात से भी ऊपर जाती है, पश्चिम बंगाल से भी ऊपर जाती है और राजस्थान से भी ऊपर जाती है, पर उड़ीसा से होकर के नहीं जाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम लोग। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल्ड फील्ड कहाँ मिलते हैं, ठीक है। कावेरी घाटी में, कृष्णा घाटी में, गंगा घाटी में या फिर दामोदर घाटी में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में जो कोयले के क्षेत्र हैं सबसे ज्यादा वो मिलते हैं आपके दामोदर घाटी में जाकर के, ठीक है। अब बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था के, क्वेश्चन देखेंगे। अर्थव्यवस्था शुरू हो रही है और अर्थव्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करा करिए, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करने हैं आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इस 16 क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहला उद्देश्य इसका क्या था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या फिर कृषि विकास। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कृषि विकास ही पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना ने जो है सभी विकासात्मक प्रयास, मतलब सारे के सारे प्रयासों को वो लेकर के अपने साथ चली थी, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, 8वीं पंचवर्षीय योजना सभी प्रयासों को एक साथ लेकर के चली थी, ठीक है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1992 से लेकर के 1997 के बीच ये योजना चली थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है हमारा, डैश, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा उपार्जित किए गए धन राशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, प्रधानमंत्री डिजिटल व्यापार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। बात क्या हो रही है, खनिज की बात हो रही है, खनिज वगैरह की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग। चेलैया, ठीक है, चेलैया समिति किस क्षेत्र की जांच हेतु गठित की गई थी। ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध के लिए, औद्योगिक ऋणता के लिए, कर के लिए या फिर बीमा के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर। ये जो समिति बनाई गई थी कर क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। चेलैया समिति किसके लिए बनी थी, कर से रिलेटेड समिति थी ये और कर के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो RTGS की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं पहले, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी है हमारा रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट या फिर रियल टाइम गेन सेटलमेंट। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे आपके लिए कुछ नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन आपको 20 कंप्लीट कराए हैं उनकी पूरी कंप्लीट आंसर की मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। आप क्या करेंगे कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पहले तो यहाँ से क्लास पढ़ ली है पूरी आपने कंप्लीट, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आप टेलीग्राम चैनल से जाकर के PDF डाउनलोड कर दीजिए। उससे क्या है कि उस PDF को मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर आप क्विक रिविजन कर लेंगे। तो इस तरह से आपका 2 बार रिविजन करेंगे तो उससे क्या है कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। हमेशा पढ़ने के बाद एक बार रिविजन जरूर तुरंत मारिए। अगर आप रिविजन अगले दिन मारते हैं तो 1 हफ्ते बाद मारते हैं तो आपके दिमाग से पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप तुरंत रिविजन मारेंगे तो उससे क्या है कि वो ज्यादा समय तक आपके लिए याद रहेगा, ठीक है। तो अब बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर देना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।